हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर इस समय की जानिए आप। निजामुद्दीन मरकज से देश में कोरोना फैला, ऐसे आरोप लगे। इसी को लेकर लगातार काफी हल्ला मचा। तबलीगी जमात के कई लोग आरोपी भी बनाए गए। लेकिन बड़ी खबर ये कि अब तक निजामुद्दीन की तबलीगी मरकज मुख्यालय को सील नहीं किया गया है। आमतौर पर अगर किसी आपराधिक केस में जांच चल रही होती है तो फिर बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है, लेकिन इस केस में बिल्डिंग सील नहीं की गई, निजामुद्दीन मरकज सील नहीं किया गया। अब भी हर दिन मरकज के मुख्यालय में तीन लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ने आते हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मौलाना साद की तस्वीर, कल की तस्वीर। कल जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मौलाना साद जिस वक्त अबू बकर मस्जिद गया उस समय की ये तस्वीर आपके सामने है। और सबसे अहम बात यह है कि आखिरकार मरकज को सील क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अमूमन जहां पर किसी तरीके का कोई अपराध होता है फिर उस जगह को सील कर दिया जाता है। ओम प्रकाश तिवारी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ये तो अपने आप में अहम हो जाता है सवाल कि आखिरकार मरकज को सील क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल रुमाना, चूंकि नियम ये कहता है कि यदि कहीं कोई आपराधिक घटना हुई है तो जो जांच एजेंसी है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस वहां पर वो सील करा दे, जिससे कि वहां पर वहां से दस्तावेज या अन्य कोई सामान जिसकी भविष्य में जरूरत पड़े वहां से निकाला न जा सके। दूसरी अहम बात कि अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित अगर एजेंसी जांच कर रही है तो उस स्थिति में भी प्रॉपर्टी को सील करा देना चाहिए, क्योंकि ये एक रिलीजियस प्रॉपर्टी है जहां पर यदि बाद में इसमें फिर से लोग चले गए और बाद में इस प्रॉपर्टी में से को सील करना पड़ा या इसको जब्त करने की कोई कार्रवाई करनी पड़ी मान लीजिए, तो उस समय वहां उसमें से लोगों को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ईडी इस मामले में संपत्ति की भी जांच कर रहा है, दिल्ली पुलिस इसमें आपराधिक मामले की जांच कर रही है और सीबीआई भी इस मामले में अहम जांच कर रही है, लेकिन तीनों जांच एजेंसियों में से किसी ने भी इस मामले में प्रॉपर्टी को सील करने के लिए नहीं कहा है, जिसे एक बड़ा लापरवाही कहा जा सकता है। रुमाना, बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही सामने आई है निजामुद्दीन मरकज मामले में। एक तो देखिए सबसे अहम सवाल यही हो जाता है कि आखिरकार अब तो मौलाना साद साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से शुरू में मार्च में जिस समय लॉकडाउन लगा था उस वक्त सवालों में घिरा था, आरोप लगे थे निजामुद्दीन मरकज, तबलीगी जमात और मौलाना साद पर, फिर अब कार्रवाई के नाम पर यह ढिलाई क्यों बरती जा रही है। यहां तक कि निजामुद्दीन मरकज को सील तक नहीं किया गया अब तक। जरा सोचिए आप, तबलीगी मरकज से कोरोना फैलने के खुलासे के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, मौलाना साद के ठिकानों पर छापेमारी की खबरें भी उस दौरान आए दिन आती थी। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मनोज वर्मा इस समय मौजूद हैं। मनोज, बाकायदा सीसीटीवी में नजर आ रहा है मौलाना साद जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मौलाना साद जा रहा है, दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब है? गिरफ्तार करना चाहती है दिल्ली पुलिस मौलाना साद को या चाहती नहीं है गिरफ्तार करना? देखिए बिल्कुल, इस सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि पुलिस अब मौलाना साद से पूछताछ क्यों नहीं करना चाह रही है। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि करीब डेढ़ महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, मौलाना साद से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो सरकारी लैब का अपना कोरोना का टेस्ट करवाए और उसकी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपे, उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन डेढ़ महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, आखिरकार क्या वजह है कि मौलाना साद अपना टेस्ट नहीं करवा रहा है? इसके अलावा ऐसी क्या वजह है कि क्राइम ब्रांच भी उसको पांचवा नोटिस इश्यू नहीं कर रही है? क्यों उससे पूछताछ नहीं हो पा रही? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस भी अब नहीं दे पा रही है कि आखिर क्यों अब इस केस में ढिलाई बरती जा रही है, क्यों इस केस की इन्वेस्टिगेशन एकदम रुक सी गई है। शुरुआत में तो क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कई ठिकानों पर छापेमारी भी की मौलाना साद के, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस की जांच एकदम ढीली पड़ गई है। 6 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है जो इस मामले के 6 आरोपी हैं, लेकिन साद से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही है क्राइम ब्रांच, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। जी बिल्कुल, और लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिरकार ये जो ढिलाई दिल्ली पुलिस की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से मौलाना साद को लेकर बरती जा रही है, आखिर क्यों ये ढील मौलाना साद को क्यों दी जा रही है? इस सवाल का जवाब मैं आगे ओम प्रकाश से लूंगी, लेकिन इस बीच आपको यह समझना चाहिए कि मौलाना साद किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान निशाने पर आया, क्या क्या आरोप मौलाना साद पर लगे, ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। जब देश कोरोना संकट काल के भंवर में फंस रहा था
तो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद वहां मौजूद लोगों को गुमराह कर रहा था और सरकार के सख्त कदमों को धर्म विशेष पर हमला बता रहा था। तब देश में कोरोना का संकट इतना नहीं गहराया था और आज आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है और कोरोना संक्रमितों के मामले में देश दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। कोरोना के आंकड़े सैकड़ों से लाख तक का सफर पार कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो नहीं बदला है वो ये कि मौलाना साद कहाँ है। लॉकडाउन के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और पहला अनलॉक भी शुरू हो चुका है, लेकिन मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। मौलाना साद पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। मौलाना साद पर अप्रैल में ही आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120 बी के तहत महामारी एक्ट 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 269 किसी बीमारी को फैलाने के लिए किए गए लापरवाही भरे काम के लिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा है, इस धारा में 6 महीने जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 270 किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या नुकसानदेह काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा है, इसमें अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। धारा 271 में क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान है, इसमें 6 महीने तक जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 120 बी में आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान है, धाराएं गंभीर हैं, आरोप गंभीर हैं, ऐसे में मौलाना साद को सामने आना चाहिए, लेकिन जब से ये मामला उठा है तब से लेकर कल तक मौलाना साद सामने नहीं आए हैं। मौलाना ने दावा किया था कि वो कोरोना की वजह से क्वारंटीन है, तो फिर उन्होंने अपनी कोरोना की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं सौंपी। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का झुलमुल रवैया भी सवालों के घेरे में है।